to be invisible, crafted to stay invincible. Presenting the TVS Apache RR310 in Phantom Black. So hello and welcome back to the channel. This is another good day and tumhara bhai badhiya si news aur ek achhi si update leke aaya aap logo ke liye. और बहुत टाइम से दो तीन कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि भाई 310 RR कब आएगी, कैसे लुक्स हैं, क्या है. हाँ, तो जी इस वीडियो में वही क्लियर होने वाला है कि 310 RR Apache 2020 BS6 मॉडल लॉन्च हो चुका है और आज हम उसी के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे. एंड भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और वीडियो जितना हो सकता है शेयर करना. अब सबसे पहले बात करते हैं बाइक की. तो 310 RR Apache 2019 से प्लान हो रही थी BS6 के लिए. तो BS6 वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है और क्या क्या नए अपडेट्स हैं वो सारी चीज़ें की बात करेंगे. सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की. तो भाई लुक्स गाड़ी की ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक ग्राफिक्स चेंज होंगे और जो साइड फेयरिंग्स है वो चेंज हो गए. जैसी कि फ़ोटोज़ लीक हुई थी तो उस हिसाब से ये कलर अवेलेबल हो सकता है, वरना तो ये गाड़ी स्टार्टिंग में ब्लैक एंड रेड कलर में अवेलेबल होगी. सेकंड अपडेट जो इस गाड़ी का था, सबसे बेसिक और जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो इस बाइक में लगी है कि आपको TFT डिस्प्ले के साइड में ग्लॉसी ब्लैक डैशबोर्ड मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा. सो जो सेकंड अपडेट था आपके पास वो था एक्स कनेक्ट ब्लूटूथ अवेबिलिटी. तो हाँ जी, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको 204 में मिल रही थी, बट ये इस बाइक में भी, क्योंकि ये प्रीमियम कैटेगरी की बाइक है, इसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाती है. श्योर है, 100% श्योरिटी है. जो थर्ड अपडेट है वो है इसके टायर्स. तो जो पिक्चर अभी लीक हुई है इसके टायर्स की, जो पिक्चर अभी लीक हुई है इस बाइक की, इस बाइक में लगे हैं मिशलिन रोड 5, जिसकी कॉस्ट आती है 25,000 से 30,000 रुपये. हो सकता है ये बाइक ट्रायल के दौरान इस बाइक में ये टायर डले हों, वरना तो क्या पता इसके दो सेगमेंट आए. और सबसे लास्ट और मेन जो चीज़ इसके अंदर आई है, जो अभी तक किसी भी ब्रांड या किसी भी कंपनी ने अपनी बाइक में नहीं दी, हाँ तो जी, इसमें आपको 3 राइडिंग मोड मिलेंगे. हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें आपको 3 राइडिंग मोड मिलेंगे. सबसे पहला कंफर्ट, दूसरा स्पोर्ट्स एंड तीसरा ट्रैक. बाय चांस आप किसी न्यू बंदे को अपनी गाड़ी देते हो तो एकदम से एग्रेसिव नहीं होगी, आप उसको कंफर्ट पे गाड़ी एडजस्ट करके दो आराम से, तो उसमें बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होगी. तो भाई यही अपडेट थे इस बाइक को लेके अभी तक के. तो और जो इस बाइक का एक्सपेक्टिंग प्राइस है वो बढ़ गया है 40,000 रुपये. 40,000 रुपीज़ इसका एक्सपेक्टिंग प्राइस आया है कि हाँ 40,000 रुपीज़ इस बाइक में बढ़ सकते हैं. अब कुछ लोग बोलेंगे इससे बढ़िया RC390. हाँ जी, तो काफ़ी लोग बोलने वाले होंगे कि 390 से कम प्राइस की है कुछ भी ऐसा. तो जब 390 BS6 वर्जन में आएगी तो उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा एंड सारी बाइक्स का प्राइस बढ़ जाएगा अगर वो BS6 वर्जन में है. तो इस बाइक को लेके अभी तक इतनी अपडेट थी. इसकी स्पीड कितनी होगी, टॉप स्पीड कितनी होगी, अभी तक उस चीज़ का अपडेट नहीं आया. जैसे ये शोरूम में आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा भाई टेस्ट राइड ले जाएगा और टेस्ट राइड लेगा, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि इस बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है. तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करें एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सकता है शेयर करना, ताकि सबको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए.